उस वीडियो का मतलब नेस्ट अपना है इसमें कॉल्सन मॉफिट मॉडल, जो इससे पहले वाले वीडियो में रह गया था। बोथ आर कंसीडर्स दैट साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइज cs2 ग्रुप्स। ऑल sp2 हाइब्रिडाइज आर पॉइंटेड 22 आउटवर्ड फॉर्म इमेजिनरी दी लाइन कनेक्टिंग दी न्यूक्लाई, रिजल्टिंग इन अबाउट 20% लेस इफेक्टिव ओवरलैप देन दी कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ इथेन। फॉर दिस रीजन दी बॉन्ड्स आर ऑफ्टन रिफर्ड टू अस बेंड। दिस बेंडिंग इज कंसिडर्ड फॉर एंगल स्ट्रेन। तो इसको आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। सैज मोर थ्योरी फॉर स्टेनलेस रिंग, ये पढ़ लीजिएगा। सैज थ्योरी, इसमें क्या होता है, ये कब दिया गया था, तो 1890 में, ठीक है। दी कार्बन एटम ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड हायर एल्केन्स आर नॉट प्लैनर बट एज्यूम स्ट्रेन फ्री प्यूकर्ड कन्फिग्यूरेशन इन विच ईच कार्बन रिटेन्स इट्स नॉर्मल वैलेंसी एंगल ऑफ 109.5। इसका नॉर्मल वैलेंसी एंगल क्या होता है, 109.5 होता है। दी कार्बन एटम ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड हायर एल्केन्स आर नॉट प्लैनर। जो कार्बन एटम मतलब जो साइक्लो एल्केन्स के होते हैं और हायर एल्केन्स के होते हैं, प्लेनर नहीं होते, बट एज्यूम स्ट्रेन फ्री क्या होता है, कॉन्फिग्यूरेशन इन विच कार्बन रिटेन्स इट्स नॉर्मल वैलेंसी एंगल कितना होता है, 109। सच इज कंस्ट्रक्टेड टू मॉडल्स ऑफ साइक्लो एक्सेन कॉल्ड स्पोर्ट एंड चेयर फॉर्म। ये क्या फेमस है कि जो ये कंस्ट्रक्ट हुए हैं दो मॉडल से, मतलब बोट एंड चेयर फॉर्म से, चेयर और बोट, ये ट्विस्ट बोट होते, तो ये साइक्लो लाइक साइक्लो एल्केन्स। मोर थ्योरी, मोर सजेस्टेड, इन्होंने कब दिया, 1931 में। मोर सजेस्टेड दी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्साइटेंस ऑफ टू फॉर्म्स विच आर रेडली अंडरगो इंटर कन्वर्सन बाई रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग नेग्लिजिबल डिस्टोरेशन ऑफ टेट्रा हेड्रल एंगल्स। ओनली 5 kcal पर मोल एनर्जी इज नीडेड फॉर देयर इंटर कन्वर्सन। सिर्फ इसमें कितना लगता है, तो 5 kcal जो पर मोल जो एनर्जी है उसमें नीड होती है। दी टू कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड हैव नॉट बीन इंडिविजुअली आइसोलेटेड। ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इट हैज़ बीन फाउंड चेयर कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। जो चेयर कॉन्फर्मेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में, तो बोट फॉर्म के कंपैरिजन में। फिर है द रेशियो ऑफ चेयर टू बोट बोट कॉन्फर्मेशन इज अबाउट 1000 टू, इसमें रहता है 1। साइक्लोहेक्सेन शोज दैट दी 12 हाइड्रोजन इन दी चेयर कॉन्फर्मेशन डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। 6 हाइड्रोजन आर पॉइंट अप कैलिस अस एक्सियल हाइड्रोजन, अदर 6 हाइड्रोजन लाए, मतलब इसे टू कैटेगरीज में से डिवाइड कर दिया गया है। जैसे 6 हाइड्रोजन है, ठीक है, 6 हाइड्रोजन है पॉइंट अप कैल, इसमें एक्सियल हाइड्रोजन्स हो गए, अदर 6 हाइड्रोजन लाए जैसे कि अलोंग द इक्वेटर कॉल्ड अस, इसमें इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहा गया जी से, ठीक है। व्हेन द चेयर कॉन्फर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू बोट कॉन्फर्मेशन, जो चेयर कॉन्फर्मेशन है वो कन्वर्ट होता है किसमें, बोट कन्फर्मेशन में, इच इक्वेटोरियल बॉन्ड बिकम्स एक्सियल एंड वाइस वर्सा।
द रेशियो ऑफ चेयर टू बोथ कॉन्फर्मेशन इज अबाउट, ये कितना होता है तो 1001 होता है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन शोस दैट दी 12 हाइड्रोजन इन दी चेयर कॉन्फर्मेशन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मतलब इसका जो ये टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, तो किस टाइप से है, 6 हाइड्रोजन आर पॉइंट ऑफ कैरलेस एक्सियल हाइड्रोजन, ठीक है। अगर 6 हाइड्रोजन जो रहेंगे ऊपर, मतलब पॉइंट ऑफ कैल्स में, तो उसे हम कहेंगे एक्सियल हाइड्रोजन, एंड अदर 6 हाइड्रोजन लाई अलॉन्ग दी इक्वेटर कॉल्ड एस इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। वेन दी चेयर कॉन्फर्मेशन इज कन्वर्टेड इंटू बोट कॉन्फर्मेशन, इसमें क्या होता है, जो चेयर कॉन्फर्मेशन रहता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, बोट कॉन्फर्मेशन में, इच इक्वेटोरियल बॉन्ड बिकम्स एक्सियल एंड वाइस वर्सा। इसमें जो इक्वेटोरियल जो बॉन्ड रहता है वो क्या होता है, इसमें एक्सियल या वाइस वर्सा होता है। फिर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन देखते हैं, तो ये अपना स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन, जो इसमें चेयर कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन ये चेयर फॉर्म में, और ये किसमें है, बोट फॉर्म में है, तो ये अपना क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन बने से। एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे। इसके हिस्ट्री से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑन साइक्लोहेक्सेन, जैसे मैंने पहले भी बताया 1858 कैकुले एंड कॉपलर, ठीक है। तो ये है टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन के बारे में इन्होंने मतलब बताया था। 1874 में वैंड्स हॉफ एंड लेबल्स, इन्होंने बताया टेट्राहेड्रल कार्बन, और बेयर्स जो है 1885 में प्लानर साइक्लोहेक्सेन्स। पॉलीमिथाइलिन कंपाउंड्स आर रिस्ट्रेंड सिंस ओनली वन साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन, दे मस्ट बी प्लानर। साइक्लोपेंटेन इज़ द लीस्ट स्ट्रेन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन्स। 1890 स्ट्रेन नीड नॉट एक्सीड इन लार्जर रिंग्स। 1918 मोहर एक्सरे एनालिसिस ऑफ डिमॉन्ट। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। All ring systems are planar, deviation from normal tetrahedral angles result into unstable cycloalkanes. The large ring systems involve negative strain, hence do not exceed. The bond angles in cyclohexane and higher cycloalkanes, cycloheptane, cyclooctane, cyclononane are not larger than 109.5. बिकॉज दी कार्बन रिंग्स ऑफ दोज कंपाउंड्स आर नॉट प्लेनर बट दे आर प्यूकर्ड फ्रिंकर्ड। द रिंग ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज ट्रिंगल, ऑल दी थ्री एंगल्स आर ऑफ 60 इन प्लेस ऑफ 109.5 टू एडजस्ट देम इन टू ट्रिंगल रिंग सिस्टम। इन सेम मैनर साइक्लोब्यूटेन इज स्क्वेयर एंड द बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 इन प्लेस ऑफ 109.5 टू एडजस्ट देम इन टू स्क्वेयरिंग सिस्टम। द डेविएशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन रिंग सिस्टम देन नॉर्मल टेट्राहाइड्रल एंगल विल प्रोड्यूस स्ट्रेन इन रिंग। दिस रिंग स्ट्रेन विल मेक देम अनस्टेबल एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स हैविंग टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल्स। So cyclopropane and cyclobutane will easily undergo ring opening reaction to form more stable open chain compounds. Stability of cyclohexane bears strain theory. The bond angle in cyclopropane is 60. The normal tetrahedral bond angle value is 109.5. That is why deviation normal tetrahedral bond angle actual bond angle deviation 109.5 minus 60 equal 49.5। लिमिटेशन ऑफ बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। बेयर्स वॉज नॉट एबल टू
एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन लार्जर रिंग सिस्टम्स. मतलब उन्होंने अच्छे से क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एंगल स्ट्रेन लार्जर रिंग सिस्टम्स के बारे में. अकॉर्डिंग टू बेयर, साइक्लोपेंटेन शुड बी मच स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन, बट प्रैक्टिकली इट इज़ रिवर्स्ड. लार्जर रिंग सिस्टम आर नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू बेयर, अस दे हैव निगेटिव स्ट्रेन बट दे एक्सीड एंड मच स्टेबल. लार्जर रिंग सिस्टम आर नॉट प्लानर बट प्योर टू एलिमिनेट एंगल स्ट्रेन. कॉल्सन मॉफिट मॉडल्स, बोथ आर कंसिडर्स दैट साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइज CH2 ग्रुप्स. ऑल sp2 हाइब्रिडाइज आर पॉइंटेड 22 आउटवर्ड फॉर्म इमेजिनरी द लाइन कनेक्टिंग द न्यूक्लाई, रिजल्टिंग इन अबाउट 20% लेस इफेक्टिव ओवरलैप दैन द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ इथेन. फॉर द रीजन द बॉन्ड्स आर ऑफ्टन रिफर टू अस बेंड. दिस बेंडिंग इज कंसिडर्ड फॉर एंगल स्ट्रेन. सैच मोर थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग. सैच थ्योरी 1890. द कार्बन आइटम ऑफ साइक्लोहेक्सेन इन हायर एल्केन्स आर नॉट प्लानर बट एज्यूम स्ट्रेन फ्री प्योकर्ड कॉन्फिग्यूरेशन इन विच इच कार्बन रिटेन्स इट्स नॉर्मल वैलेंसी एंगल ऑफ, कितना होता है इसका नॉर्मल वैलेंसी एंगल जो 109.5. सेसेस जो कंस्ट्रक्टेड टू मॉडल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जैसे मैंने पहले बताया था इसमें टू मॉडल्स होते हैं साइक्लोहेक्सेन के, जिसे हम क्या कहते हैं बोट और चेयर फॉर्म्स में कहते हैं इसे. फिर इसमें है मोहर थ्योरी आया, ये भी इम्पॉर्टेंट है थ्योरी 1931 में. मोर सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस ऑफ टू फॉर्म्स विच आर रेडली अंडरगो इंटर कन्वर्सन बाई रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग निगलिबल डिस्टोरेशन ऑफ टेट्रा हेड्रल एंगल्स. ओनली 5 kcl मोल एनर्जीज नीडेड फॉर देयर इंटर कन्वर्शन. The conformation isomers are in dynamic equilibrium and have not been individually isolated. On the basis of theoretical and experimental evidence, it has been found chair conformation more stable than boat form. ठीक है, इस मतलब chair boat form के बारे में ही बताया गया. फिर आपको इसमें से ये याद रखना पड़ेगा रिएक्शंस को. ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का ये जो मतलब डायग्राम जो दिया गया है इसमें हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे हमने पढ़ा और अलग अलग फिर याद रखेंगे और इसमें कंटिन्यूशन स्ट्रक्चर आपको बनाना है. ये रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन्स भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन आपको नहीं बोलना है. ठीक है, इसमें केमिस्ट्री में क्या है रिएक्शन ही देखते हैं. थ्योरी अगर नहीं लिखोगे, कम लिखोगे तो भी चलेगा.